हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कशन, काफी बड़ी डिस्कशन थी और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। इसके अलावा मैंने बाद में फिर एफआरबीएम एक्ट को लेकर के एक पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख लिए होंगे। काफी डिटेल में डिस्कशन किए थे। देखिए, दैट वॉज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें क्या है कि काफी ज्यादा आपको अपडेटेड रहने की जरूरत थी। द सेम थिंग वो मैंने वहां पर किया हुआ है और उसको आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग जरा आ जाते हैं अपने 2 पीएम की वीडियो पे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो यूपीएससी के ही पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है वेरियस ईयर्स में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है और पास्ट ईयर के क्वेश्चन से कैसे आप इनपुट ले सकते हैं। पहली बात, इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, वो करंट अफेयर्स बेस्ड पे ही होते हैं, जिसमें मेनली आपको इनपुट लेना होता है अपने इकोनॉमिक सर्वे से और साथ में अपने बजट से। इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और हम लोग इनफैक्ट उसको स्किप भी कर रहे होंगे बिकॉज दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस राइट नाउ, क्योंकि वो तो उस समय का करंट अफेयर्स था और आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, तो ये हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं रह गए हैं, तो हम लोग उसको स्किप भी कर रहे होंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमें करंट अफेयर्स बेस्ड फोकस करना होगा। सेकंड थिंग, आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखने होंगे अपने इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इनफैक्ट यू कैन गेस द आंसर, अगर इनकेस अगर नहीं भी आता रहेगा तो आप बहुत ही इजिली गेस कर सकेंगे। तीसरी चीज, हमेशा आपको ब्रॉड व्यू लेकर के चलना है, कभी भी आपको नैरो व्यू लेके नहीं चलना है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ मतलब टिप्स हैं जो जिसके बेसिस पे आप प्रीलिम्स क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें कि विद रेफरेंस टू यूनियन बजट। देखिए, अगेन बजट पे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो देखिए, 2014 का क्वेश्चन है और यहां पर बोला गया है कि प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा था प्लांड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांड एक्सपेंडिचर, और मैंने इनफैक्ट वो भी ये भी बोला था कि प्लांड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लांड एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ने अब एबॉलिश कर दिया है, अब कोई प्लान या नॉन प्लान अलग से देखने की आपको एज सच जरूरत नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट राइट नाउ, लेकिन फिर भी चलिए ये देख लेते हैं कि क्या चीज है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे डिफेंस के भी पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। इंटरेस्ट पेमेंट, जैसा कि हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, 1000 रुपए जहां पर इंटरेस्ट पेमेंट बन रही थी, लेकिन वहां पे हम लोगों ने मतलब 700 रुपीज ही पे किया था, 300 रुपए हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, तो 300 रुपए अगले बार के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन गया और उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ गई। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आई है वो नॉन प्लान में ही आ गया, तो नॉन प्लान में चला जाएगा। सैलरी एंड पेंशन, ये हमारी प्लान्ड होती है, हमें पहले से पता होता है, कंसोलिडेटेड फंड से हम लोग निकाल लेते हैं। सब्सिडीज, ये हमें पता नहीं होती है, कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली सब्सिडी देना पड़ता है, तो ये भी नॉन प्लान में आ जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 and 4। तो देखिए, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, डी फॉर डॉग। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखिए, सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट। अब देखिए, अगेन यहां पर क्या है कि कौन से टैक्स किसके द्वारा वसूला जाता है और कैसे मतलब इम्पोज किया जाता है, ये क्वेश्चन यहां पर है। तो अगेन दिस हैज बिकम इररिलेवेंट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि अब ये जो अलग अलग छोटे छोटे टैक्स होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, ये सब जो टैक्स होते हैं, ये सब अब हटा दिया गया, अब क्या लिया दिया गया है, जीएसटी। तो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है, तो ये क्वेश्चन अगेन 2014 वाला, दिस हैज बिकम इररिलेवेंट। अगेन फिर भी अगर देखना चाहे तो देखिए, सेल्स टैक्स जो होती थी वो उस समय कलेक्ट की जा रही होती थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इम्पोज भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जा रही होती थी, तो ये खैर आप लोग स्किप कर सकते हैं अगेन। तो इसका भी आंसर वैसे डी हो जाएगा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्स फॉर, यस दिस इज कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, 2013 में आया था। अब देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कब की जाएगी, जब हमारी टेंशन चल रही होगी, पैसे नहीं होंगे मतलब इकोनॉमी में, या फिर विशियस साइकिल में फंस गया होगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली कर क्यों करना है, अब जरा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देखिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट पे है, एक्सटर्नल अकाउंट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करेंगे तो देखिए, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट, अगेन ये हमारे लिए बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये भी फॉरेन मार्केट से रिलेटेड हो गया, यानी ऑप्शन ए या बी में ही होगा।
अब देखिए बी ऑप्शन बोलता है रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, वेरी नैरो, बहुत ही नैरो ऑप्शन दे रहा है, तो ये हम नैरो ऑप्शन नहीं, हम लोग ब्रॉड ऑप्शन पे आएंगे। ब्रॉड ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ओवरऑल सदाबहार ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा, क्लियर हो गया। तो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर अमंग द नोटिसेबल फीचर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए 13th फाइनेंस कमीशन उस समय आई थी, इसलिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है आपको। अब ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी काम की नहीं है, क्योंकि अब 14th कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन होने वाली है, तो रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन के ही हमको देखने होंगे। हालांकि अभी आई नहीं है रिकमेंडेशंस, बट स्टिल जो है हमें 13th और 14th के भी देखने की जरूरत नहीं है, तो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। लेकिन खैर फिर भी अगर देखेंगे तो जीएसटी के बारे में इन्होंने बोला था, यस बोला था, करेक्ट है स्टेटमेंट। इसके अलावा टू डिजाइन अ डिजाइन फॉर क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब इन द नेक्स्ट 10 ईयर इन कॉन्सोनेंस विद इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, नहीं, जॉब क्रिएशन के बारे में ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन देखिए मान लीजिए इनकेस अगर आपको नहीं भी पता है फाइनेंस कमीशन के इन रिकमेंडेशन के बारे में, फिर भी देखिए आप बहुत ईजिली अपने बेसिक नॉलेज से जाकर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, अब देखिए तीसरा ऑप्शन जरा पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है, डिवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू लोकल बॉडी एज ग्रांट। देखिए स्टेटमेंट प्योरली गलत है। क्यों प्योरली गलत है, क्योंकि कभी भी फाइनेंस कमीशन सेंट्रल से लोकल बॉडी में कितना ग्रांट दिया जाना है ये नहीं बताती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में मतलब डिवोल्यूशन बताती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है, और उसके बेसिस पे ग्रांट वगैरह निर्धारित किए जाते हैं कि लोकल बॉडी को कितना दिया जाना है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो प्योरली गलत है। और जब अब अगर ऑप्शन में देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सब में दिया हुआ है, यानी कि आप फटाफट कटपिट करके सीधे ऑप्शन ए मार्क कर सकते थे। तो इस तरीके से यूपीएससी में कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता रहता है, बट आंसर के थ्रू आपको आंसर पता चल जाता है कि क्या रहेगा, तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस। अब फिस्कल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में जिंदा है कि नहीं जिंदा, इस चीज को चेक करना, तो बेसिकली पुनर्जीवित करने वाली बात हो गई एक तरीके से स्टिमुलस। अब फिस्कल का मतलब कि कोई मतलब हमारा जो कंट्री का जो इकोनॉमिक्स है उसको पुनर्जीवित करना है, तो एक आइडिया लग गया हमें वर्ड से कि क्या चीज पॉसिबल है। नाउ लेट अस लुक इनटू द ऑप्शंस, क्या चीज है, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉस्ट बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। पढ़ के तो लगेगा हाँ ठीक है, बढ़िया है यार, इकोनॉमी में जान तो डाल ही रहा है, एकदम सही हो सकता है, लेकिन अगेन इट इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात किया। क्या सर्विस सेक्टर में इस तरह का काम करके पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, क्या प्राइमरी सेक्टर में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके नहीं पुनर्जीवित किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए प्योरली करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन के बारे में बात करें, इट इज इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। अब देखिए ये ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़े लेवल पे बता रहा है कि हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है कंट्री के, और एक पॉजिटिव एक्शन होगा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा बी ऑप्शन, हम बोल सकते हैं कि हाँ करेक्ट ऑप्शन है। सी के बारे में एक बार देखा जाए तो इट इज गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन, ठीक है इंटेंसिव एक्शन होता है, ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी टू प्रमोट ग्रेटर प्रोडक्शन। तो देखिए अगेन एक नैरो कॉन्सेप्ट, केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की बात कर रहा है, तो अगेन ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करेंगे, इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इज समथिंग डिफरेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसमें फिस्कल स्टिमुली की कोई बात नहीं होती है, तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर डी तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर हो गया। सीखिए कि ऑप्शन कैसे चूज करना है, क्वेश्चन को कैसे डिसिफर करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इस पूरे 2 PM क्वेश्चन आंसर सीरीज का सोल मोटिव यही है कि आप बेसिकली सीखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, कैसे आपको क्वेश्चनिंग करनी है, कैसे ऑप्शंस के साथ खेलना है, कैसे उन ऑप्शन को चेक करना है और हमें आंसर निकाल करके लेके आना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनफैक्ट टेक्निक आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखिए इररिलेवेंट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि जीएसटी आ चुकी है, वैट का हमें कोई मतलब नहीं है, तो इनफैक्ट यहां पर आप स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर देखना भी चाहें
कौन सा फीचर नहीं है? पहला बोलता है इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, बिल्कुल पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड ही था, जीएसटी भी आपका डेस्टिनेशन पॉइंट बेस्ड ही टैक्सेशन है। तो देखिए जैसे वैट पूछा गया वैसे जीएसटी भी पूछा जा सकता है। हम मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट भी अपलोड की हुई है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मतलब उसमें टैक्सेशन के भी क्वेश्चंस हैं। टैक्सेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप उसको करिएगा तो आपको मतलब क्लैरिटी आ जाएगी। खैर इसमें जो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, इनफैक्ट हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं डिस्कस नहीं किया हूं, तो वो आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हैंड रिटन लिखिएगा, ये नहीं फोटो खींच करके रख ले हम बाद में करेंगे, हैंड रिटन रखिएगा। अब कुछ मेहनत, देखिए कुछ मेहनत करेंगे तभी कुछ पाएंगे, तो लिख करके रखिएगा हैंड रिटन, और उसके बाद से जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप उसको फिर से देख सकते हैं, उसको रिवीजन करते हुए देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे, इट इज अ टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एंड ईच स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यू एडिशन का मतलब यही होता है। सी ऑप्शन, इट इज अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड अल्टीमेटली बॉर्न बाय द कंज्यूमर, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बात करेंगे, इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली फैसिलिटेटर, नो 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 ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कई जगहों पे अपने अपने अधिकार रखे हुए, अपने अपने राइट्स रखे हैं, जैसे सेल्स टैक्स अपने पास रखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर। अब देखिए शेयर मार्केट में आपने सुना होगा बुल एंड बियर के बारे में, तो बुल जब राइज होती है, बियर जब डाउनफॉल होती है। तो यहां पर क्या होता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए देखिए, इन्वेस्टर हु फील दैट प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, बिल्कुल करेक्ट हो गया, देखिए ऑप्शन ही आ गया सामने। तो देखिए बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बी ऑप्शन देखिए क्या बोलता है, एन इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर टू राइज, ये तो बुल हो गया, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। सी बोलता है अ शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर हु हैज एन इंटरेस्ट इन कंपनी फाइनेंशियल और अदरवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन भी ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा, आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन बाय गवर्नमेंट कटिंग द टैक्स एंड, ये सब कुछ चीजें दी गई हैं और बोला गया है कि अच्छा ये बताइए इसमें से कौन सी चीजें जो फिजिकल स्टिमुलस से रिलेटेड है। अब देखिए ये पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2010 में ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है और वही फिजिकल स्टिमुलस देखिए 2011 में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन नेचर केवल मतलब को रिपीट होता है, कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं। तो देखिए इसी वजह से पास्ट ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकल स्टिमुलस के बारे में पूछा गया है। अब आप फिजिकल स्टिमुलस के बारे में पढ़ चुके हैं, इन फ्यूचर अगर फिजिकल स्टिमुलस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन की यही इंपॉर्टेंस होती है। देखिए फिजिकल स्टिमुलस हम लोगों ने बात किया था क्या, कि जहां पर बूस्ट करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन द कंट्री, कैसे करेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बना करके, मॉर्निंग क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेंशनरी कैसे करेंगे, जब आप टैक्स रेट को कट कर देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, सब्सिडीज को बढ़ा देंगे, अबॉलिश करने की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 ओनली, यानी आंसर हो जाएगा ए, क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए WPI और CPI के बारे में बात किया है, तो देखिए हम लोगों ने अभी इसको कवर नहीं किया है इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन को लिख करके रख लीजिएगा और फ्यूचर में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। सिमिलरली देखिए NIF के बारे में है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में है, तो ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो इसको भी हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास आगे आएगा क्वेश्चन, क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, तो देखिए 11 क्वेश्चन बोलता है, इन इंडिया द टैक्स प्रोसीड्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड इन द लास्ट 5 ईयर। अब देखिए ये क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक सर्वे का, जहां पे आपको ग्राफ पता होने चाहिए कि कौन सा टैक्स का नेचर कैसा है, कौन सा टैक्स पिछले 5 सालों में गिरता आया है, कौन सा टैक्स पिछले 5 सालों में बढ़ता आया है। अब जैसे सर्विस टैक्स है ये बढ़ता है, इनकम टैक्स है ये बढ़ रहा है, एक्साइज ड्यूटी ये घट रहा है, ठीक है ये घट रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स है घट रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बात कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स, बेसिकली क्या है जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह की जाती है उसके बारे में है। तो यहां पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगती है और ये जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होती है वो मैं टैक्स में आप लोगों को बताऊंगा टैक्सेशन में कि ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। तो यहां पर ऑप्शन केवल और केवल 1 वाला करेक्ट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लियर है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बाद भी अगेन डायरेक्ट टैक्स टैक्सेशन का ही फॉर्मेट है, तो टैक्सेशन मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया है तो इसको मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा।
एफआरबीएम एक्ट के बारे में देखिए लिखा हुआ है और हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है एफआरबीएम एक्ट के बारे में कि अच्छा ये बताइए कि एफआरबीएम एक्ट कवर किसको करता है। तो कवर किसको करता है, फिस्कल डेफिसिट एज वेल एज रेवेन्यू डेफिसिट। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो देखिए कुछ खास टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस क्या है कि आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है इसी को चेक किया जाता है आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में गलत ही क्वेश्चन आप करके आते हैं और कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं मेरा ही सही है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, सर्विस टैक्स के बारे में बोल रहा है कि क्या करेक्ट है। तो सर्विस टैक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, बताइए क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है, टैक्सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हैज बीन अमलगेमेटेड विद द पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए उस समय का करंट अफेयर्स है 2004 का, इसीलिए 2005 में पूछा गया है। ये ओरिएंटल बैंक में एक्चुअली मर्ज किया गया था, इसमें नहीं मर्ज किया गया था, ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सेकंड रिपोर्ट ऑफ केलकर कमेटी डीलिंग विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स has maintained its original recommendations including the abolition of exemptions relating to housing loan। तो ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं आपकी यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है, हालांकि अगेन relevant नहीं है। आगे देखिए बात करता है कि विजय केलकर कमेटी के द्वारा जो recommendations दी गई थी उसके बारे में 2002 में दी गई थी, तो अगेन नॉट relevant फॉर आवर एग्जामिनेशन, 2004 का क्वेश्चन है और ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इस वक्त छोड़ते हैं हम इसको। वैसे ऑप्शन इसका बी है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आरबीआई के बारे में बात किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोलता है कि आरबीआई ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज ऑन 26 जनवरी 1950। गलत है। अब जरा आरबीआई के बारे में सुनिएगा, हालांकि मैंने इसको गवर्नमेंट स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत ही डिटेल में बता रखा है, तो गवर्नमेंट स्कीम आपको करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आखिर में पढ़ना कहां से है, ये चीज तो हमारे सिलेबस में ही कहीं नहीं है, कहां से पढ़े, तो ये आपको पढ़ना होता है गवर्नमेंट स्कीम में। गवर्नमेंट स्कीम में मैंने सारे डिपार्टमेंट सारे मिनिस्ट्री काफी डिटेल में करके रखे हुए हैं, आप उसको जा करके उसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई देखिए 1935 के एक्ट में बनाई गई थी बट नेशनलाइज नहीं की गई थी, नेशनलाइज इसको किया गया है 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। तो ऑप्शन ए जो दिया है इसमें गलत है कि आरबीआई वॉज नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949 ना कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, बाकी इसके बाद से आरबीआई के लिए बहुत सारे एक्ट वगैरह बना दिए गए, आरबीआई एक्ट वगैरह बना दिया गया है, तो अलग चीज है वो। द बोरिंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल बाई डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं, इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये हैंडल किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अगेन मैं कहूंगा गवर्नमेंट स्कीम में ये सब चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें, विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला बोलता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर आप डायरेक्टली बात कर लेंगे फॉरेन रिजर्व फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करेंगे। इज रिपोर्टेड इन यूनियन बजट वॉज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, नो, इट वॉज बेस्ड ऑन फॉरेन करेंसी, नॉट फॉरेन मतलब एक्सचेंज रेट, रूपी में नहीं इनको ट्रांसफर करना होता है, इनको फॉरेन रिजर्व में ही करना होता है। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे आपका ऑप्शन आ गया सी नंबर, लेकिन खैर फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। द कंटिन्यूड हाई बोरोइंग हैज कप्ट द रियल इंटरेस्ट रेट हाई इन द इकोनॉमी, बहुत ही मतलब लॉजिकल चीज है, आप बोल सकते हैं यस बिल्कुल करेक्ट है। द अपवर्ड ट्रेंड इन रेशियो ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी इन द रिसेंट ईयर्स हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए बहुत ही आराम से आप इसको बोल सकते हैं कि करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स जब भी जीडीपी डेफिसिट टू जीडीपी अगर ये हाई रहेगा तो ये भाग जाएंगे, तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये करंट अफेयर्स उस समय का है बट स्टिल लॉजिकल है, तो आप कर सकते हैं इसको यस। इंटरेस्ट पेमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट रेलेवेंट फॉर अस, छोड़ सकते हैं इसको, हालांकि स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो करंट अफेयर्स बेस्ड है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत को बोलता है कि 21st क्वेश्चन की डेब्ट ट्रैप क्या होती है, डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, जैसे चाइना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है, होता क्या है डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए चाइना से आपने 100 करोड़ रुपया लोन लिया, 100 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए आपको हर साल इंटरेस्ट मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपए देना है, चाहे 10-10 करोड़ रुपए मान लीजिए देना है। अब आप जब इंटरेस्ट 10-10 करोड़ रुपए देने पे आ रहे हैं तो आपको वापस से नया लोन लेना पड़ रहा है अपने पुराने लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए,
तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। क्यों? क्योंकि अब आप फंस गए हैं, अब ये फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इंटरेस्ट भी देने के लिए लोन ले लिए हैं, अब जो लोन लेंगे उसके अब लगातार आप मतलब डेप्ट में ही लगातार लोन में ही आप घुसे रह जाएंगे, कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी को बोला जाता है डेप्ट ट्रैप। जैसे श्रीलंका डेप्ट ट्रैप में फंस चुका है, ठीक है, इनफैक्ट बोला जाता है पाकिस्तान भी डेप्ट ट्रैप में फंस रहा है। तो खैर ऑप्शन देखिए 21 का क्या बोलता है, इट हैज टू अबाइड बाय द कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय द IMF। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा देखिए क्या बोलता है, इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। यस, बिल्कुल करेक्ट है, यही हम लोगों ने अभी बात भी किया। इट हैज बीन रिफ्यूज्ड लोन्स और एड बाय क्रेडिट अब्रॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी लास्ट में वर्ल्ड बैंक के बारे में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, मार्केट बोरोइंग ट्रेजरी बिल और स्पेशल सिक्योरिटी इश्यूड बाय RBI। यहां पर बोलता है कि इंटरनल डेप्ट क्या है। देखिए एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर आप इकोनॉमी से बाहर बात कर रहे होते हैं, और इकोनॉमी के अंदर में जब बात कर रहे होते हैं तो उसको इंटरनल डेप्ट बोलते हैं। जैसे मार्केट बोरोइंग हो गया, मार्केट से आप कोई चीज उठा रहे हैं, ट्रेजरी बिल हो गया तो मार्केट से उठा रहे हैं, स्पेशल सिक्योरिटी इश्यू टू RBI एक्सटर्नल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, B1 and 2 ओनली। क्लियर हो गया। आगे देखिए फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बोला गया है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, नहीं, इसको बोला जाता है बजटरी डेफिसिट, यानी बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद बजटरी डेफिसिट का हो गया, सेकंड ऑप्शन पर ये क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट, ये बन गया रिवेन्यू डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग, ये बन जाता है आपका, बोरोइंग अगर माइनस कर देंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट हो जा रहा होता है। बाकी टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है, ऑप्शन बन जाएगा इसका ए। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन आती है हमारी वो आती है, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। टैक्सेस के बारे में बात किया गया और बोला गया इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी है, तो अगेन टैक्सेशन में बात करूंगा, वहां पर बात करेंगे हम लोग कस्टम और एक्साइज, ये दो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाती है और दोनों के दोनों इस समय GST में इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस कमिश्नर मिनिस्ट्री रिकमेंडेड 2000 में कोई चीज की गई थी, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, छोड़ दीजिए आप लोग क्योंकि किसी काम का नहीं है। आगे देखिए, लेविंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात किया गया है, अगेन GST आ चुका है, इसको आप स्किप कर दीजिए, किसी काम लायक क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट। यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बजटरी डेफिसिट में बोरोइंग के बारे में बात नहीं की जा रही होती है, और जबकि वही चीज आगे बात कर ली जाती है। तो रीजन में देखिए लिखा गया है कि बोरोइंग फ्रॉम RBI प्लस लाइबिलिटीज, केवल इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, नहीं, यहां पर बजटरी डेफिसिट को भी इग्नोर किया गया, यानी रीजन गलत है, अजम्पशन सही है, तो यानी ऑप्शन हो जाता है इसका सी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए, ऑयल पूल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज डिसमेंटल्ड विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2002। अगेन देखिए ये हमारे किसी काम का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना कह लीजिए करंट अफेयर्स है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली आज, वो कुछ खास क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए हैं। हम लोगों ने बेसिकली आज जो डिस्कस किया वो ये किया है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उस एग्जाम के क्वेश्चन से हमें इनपुट कैसे लेना है। तो दिस वॉज द फोकस ऑफ द डिस्कशन, और यही थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिए, डाउट होता है तो पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।